गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी जेई। हम आरआरबी जेई की तैयारी करें किस तरह से, आपको जैसे पता है हमारी आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टें इस साल आई हैं हमारे जेई टेक्निकल के लिए। तो अगर आप नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31st of January, मतलब 31st of January तक हमें जितने भी पोस्ट हैं उसको फिल करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस टाइप पे जोन में, कोई कंफ्यूज होता है और कहता है मैं 29th, 30th पे इसको ट्राई करूँगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, 29th, 30th पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पे रश रहता है और अनफॉर्चुनेटली कई बार आपका सर्वर डाउन चला जाता है और आप पेपर फिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप पहले अवॉइड करें रश को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं इस पेपर के लिए अब तक फॉर्म फिल कर चुके हैं और अपना जोन सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के लिए हमें पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है और हमें सिलेक्शन किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस बार आरआरबी जेई का पेपर हमारा दो पार्ट्स में आ रहा है, दैट इज CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 की अगर बात करें तो हमारे लिए 90 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब क्या, सिमिलर टू ऑल पेपर्स, जो अभी आप जेई का पेपर देते हो हमारे पास एक मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। तो इस बार अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए हमारा स्मार्ट वर्क क्या रहेगा, सारा टाइम मैनेजमेंट रहेगा। स्टूडेंट्स कई बार अटेम्प्ट करते हैं पेपर्स और हमारे से डिस्कस करते हैं कि हमें तो सारी तैयारी थी और हमें क्वेश्चंस भी आते थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक या दो नंबर से रह गया। तो सारा कॉन्सेप्ट अगर हम उसमें देखें तो आपको प्रिपरेशन में पेपर आता भी होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट वाला टूल आपको सबसे ज़्यादा सीरियस लेना है, वो हम इस वीडियो में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि आप टाइम सेव किस तरह से करेंगे। तो CBT 1 की अगर हम बात करें तो हमारे फोर पार्ट्स में हमारा सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट पार्ट इज मैथमेटिक्स, सेकेंड पार्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड थर्ड पार्ट इज जनरल अवेयरनेस, फोर्थ पार्ट इज जनरल साइंस। अगर पेपर की अटेम्प्टेशन की बात करें तो मेरा जो फर्स्ट टू पार्ट है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, एप्टीट्यूड भी रहता है और रीजनिंग भी रहती है। क्वेश्चंस हम काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं बट, और स्कोरिंग भी हमारी हाई रहती है बट ज़्यादा टाइम हम इस वाले पार्ट में कंज्यूम कर जाते हैं। पेपर टू की अगर बात करते हैं CBT 1 में पार्ट टू की जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस आर टाइम सेविंग टास्क। टाइम सेविंग का क्या मतलब होता है, जनरल अवेयरनेस में अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी रिवर के ऊपर आता है, ज्योग्राफी के ऊपर, अगर आपको रिवर पता होगी कहाँ से जाती है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आपको रिवर नहीं पता होगी तो आप जितना मर्जी गैस करिए हम उसको गैस आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस वाले पार्ट में फोकस करना है, उससे हमें टाइम मैनेजमेंट में हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। अब एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो, कुछ ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स, जिसके कारण हमारा जनरल 30 to 45 seconds का एक क्वेश्चन रह जाता है। और कुछ अगर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के ऊपर डिस्कस करें तो हमें 15 से 20 seconds लगते हैं पेपर को एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का पिक करता हूँ पेपर के लिए तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। तो सेकंड अगर हम इस पार्ट में डिस्कस करें तो हमने काफ़ी वीडियोस हमारी भी आई हैं, काफ़ी वीडियोस में स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं हम कौन सा जोन भरें जिसमें कम से कम एप्लीकेंट्स और सिलेक्शन के चांसेस हों ज़्यादा। बट इस बार अगर हम आरआरबी की नोटिफिकेशन में ध्यान से देखें, अगर आप अपने जोन में सिंगल स्टूडेंट भी रह जाते हो तब भी आपको कम्पीट करना है आरआरबी के लिए, दैट इज़ फॉर मिनिमम स्कोरिंग ऑफ द मार्क्स। अगर आप देखें तो मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्या है पेपर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट इज 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए दैट इज 30%, एंड एससी 30% एंड एसटी 25%। दैट मींस अगर आप अकेले भी अपने जोन में बैठे हो तब भी आपको मिनिमम 40% पेपर में क्वालिफाई करना है, दैट मींस आपको 40 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। और अगर आप 40 मार्क्स से किसी कारण या 30 मार्क्स से अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी या नीचे रह जाते हैं तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी और आप पेपर टू के लिए नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने जब भी पेपर अटेम्प्ट करा, अगर मुझे 100 में से 40 क्वेश्चंस ही आते तो मैं 40 पे पेपर छोड़ नहीं सकता अपना, तो मेरी जो अटेम्प्टेशन रहेगी 70 मार्क्स के अराउंड रहेगी। और अगर मैं 90 to 100 अटेम्प्ट कर जाता हूँ तो इस बार आरआरबी के पेपर में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3।
जितने भी आप जनरल स्टेट एग्जाम्स देते हैं जेई के, एसएससी जेई की भी बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती थी 1/4, बट इस बार नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3, दैट इज सिमिलर टू गेट। तो अगर हम 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/3 में आपका 0.33 माइनस हो जाते हैं। आपके 0.33 स्टूडेंट कहते हैं कि हम 0.33 मार्क्स से कंपटीशन में पीछे रह गए, बट एग्जैक्टली ये कितने का गैप डाल रहा है आपका? जिसका क्वेश्चन सही होगा उसको 1 मार्क्स देगा ये क्वेश्चन, और जिसका गलत होगा उसको कितना होगा 0.33 नेगेटिव में होगा। तो अल्टीमेटली आपके दो स्टूडेंट्स के बीच में गैप कितने मार्क्स का रह जाएगा 1.33। तो 1.33 का अगर हम स्टेट एग्जाम में बात करें तो गैप हमारा काफी हायर एंड पे चला जाता है और उसको मेरे को कोप अप करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किस पार्ट पे आपका टाइम कम लगेगा और किस पार्ट पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा उस पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और जो हम रेड पे हाईलाइट कर रहे हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, जनरली एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। आप क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का सही लगा लेते हैं, क्वेश्चन तो आप एलजेब्रा का सही लगा लेते हैं, ज्योमेट्री का सही लगा लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आप टाइम ज्यादा ले जाते हैं। अगर आप 3 मिनट्स में वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ठीक कर रहे हैं, फॉर अ सिमिलर टाइम पीरियड 3 मिनट्स में आप 7 क्वेश्चंस जीएस के अटेम्प्ट कर जाते हैं, ये 7 क्वेश्चंस आप हमारे नंबर सिस्टम वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से कंप्यूट कर जाते हैं, तो आपके लिए ज्यादा एडवांटेज रहेगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एडवांस मैथ्स, अगर आपका मैथ्स पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और आपको काफी शॉर्टकट ट्रिक्स पता है तो आप एडवांस मैथ्स पे अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकली, नंबर्स, सीरिंग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। बट अगर मैं बात करता हूँ आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस में 2 ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कुछ वेन डायग्राम्स आ जाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो पेपर में ध्यान रखिए, पहले आप अगर रीजनिंग को भी टच कर रहे हैं तो आप उससे पहले बेसिक टॉपिक्स को टच करेंगे। थर्ड हमारी आती है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स जर्नलिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस वाले पार्ट में फेल करते हैं, क्योंकि हम जो बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग करके हम जीएस वाले पार्ट में काफ़ी लैग रह जाते हैं। सिमिलरली काफ़ी स्टूडेंट्स का हमने रिव्यू लिया है पुराने, एसएससी जेई के पेपर में भी हम सिमिलर प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि हम रीजनिंग में तो वहाँ पे 50 में से 48 स्कोर कर जाते हैं, बट जीएस वाला पार्ट काफ़ी लैग रह जाता है। और जीएस वाले पार्ट में हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं और उसके बाद उसकी जीएस पढ़ने लग जाते हैं। इतनी वास्ट जीएस होती है, हम कहते हैं कि हम कुछ पार्ट के बाद हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में हमें बड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा। करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ 4 मंथ्स तक की करंट अफेयर्स पढ़नी है डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। डेट ऑफ नोटिफिकेशन से अगर बात करते हैं तो हम January 1st ऑफ जैन से करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो टेंटेटिवली डेट ऑफ पेपर क्या है हमारी, अप्रैल एंड मई। तो जिस दिन आपका एडमिट कार्ड या डेट ऑफ नोटिफिकेशन डेट ऑफ पेपर मेंशन हो जाती है कि 15th of April को अगर आपका पेपर होने वाला है, तो आप 1st of April जब से आपके एडमिट कार्ड आते हैं वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ देते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस दिन का न्यूज़पेपर भी पढ़ के जाते हैं, बट बच्चों वो आपके पेपर में आने वाला है। तो सिर्फ आपको 3 to 4 मंथ्स के लिए ही आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, स्पोर्ट्स, जर्नल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, तो वो भी आपको इन्हीं 4 मंथ्स की पढ़नी है। अगर आप देखते हैं अगर 365 डेज है तो हमें सिर्फ 1st 4 मंथ्स जैन से लेके अप्रैल और मई तक के मंथ्स हैं, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट आ रहा है, हम उसी वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। जनरली उस पार्ट पे अगर कोई बुक आई होगी तो उस हम बुक्स के ऊपर बुक्स के ऑथर्स के नेम याद रखेंगे। उस वाले पार्ट में अगर कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड हुआ होगा तो हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड याद रखेंगे, और अगर कोई नॉवेल्स लॉन्च हो रही तो हम उसके रिलेटेड ही पढ़ेंगे। फॉर द जनरल साइंस, अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस आपका बायो वाला पार्ट रहता है मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की, तो ये दोनों पार्ट मेरे सीबीटी 2 में भी काम आ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है हम एप्टीट्यूड रीजनिंग करके 1st पार्ट में अटेम्प्ट कर जाएंगे और 2nd में आ जाएंगे, 2nd में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा।
तो बेस्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, अगर हम जनवरी से जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस में फोकस करेंगे तो 4 मंथ्स में अगर आपका वीक भी है ये पार्ट, तो आप इसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो और ये हमें पेपर 2 में भी सिलेक्शन के लिए काम आ रहा है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि जिस जोन में आप जा रहे हो सबसे कम पोस्ट है तो जोन में मैं सिलेक्शन ले लूँ। हमारा टारगेट होना चाहिए हम टॉप 10 रैंक्स में हैं। अगर आप टॉप 10 रैंक्स में आते हो तो आपको अकेला पेपर के लिए नहीं बेनिफिट, फर्दर आपकी जेई से लेके SSE के लिए प्रमोशन होती है, दैट इज कॉल्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो भी इसी मेरिट लिस्ट के ऊपर होगी जो मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका रैंक आएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी हम लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स देख रहे हैं सारे पेपर्स ऑनलाइन हो चुके हैं जेई, जैसे SSE JEE ऑनलाइन हो गया, RRB ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन पेपर्स में हमारी अटेम्प्टेशन की स्पीड काफी स्पीड हाई रहती है। स्पीड हाई रहने का कारण क्या है, अगर हम बात करते हैं मेरा ऑफलाइन पेपर होता है तो हम कंफर्टेबल इतना क्यों रहते हैं, क्योंकि मैंने डिप्लोमे में भी जितने पेपर्स दिए या मैंने बीटेक में भी जितने पेपर्स दिए वो सारे मैंने पेपर्स ऑफलाइन दिए। अगर मैं आपको कहूँ कि कल आपका बीटेक है, डिप्लोमे का फाइनल का पेपर है, तो क्या आपको डर लगेगा कैसे अटेंड करना है? नहीं लगेगा, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं और हम एक दिन पहले पढ़ के ही सारे पेपर्स क्वालिफाई कर लेते हैं। बट जब पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव की हमारी प्रैक्टिस में काफ़ी लैग रह जाता है। हम कंप्यूटर्स में कई बार कंफर्टेबल नहीं होते कि कंप्यूटर्स में जाके वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट किया कैसे जाएगा, तो उसी के लिए हमने सिमिलर हमारी एक ऐप है एडस्क्वेयर के नाम से, दैट इज अवेलेबल ऑन iOS, दैट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड और वो डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है। उस ऐप पे अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो सिमिलर पैटर्न होता है जो आपका पैटर्न आने वाला है RRB JEE का। अगर आप इस पेपर की ऑनलाइन इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको उस पेपर में जाके भी डर नहीं लगेगा कि पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है। सेकेंड है अवेलेबल है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बोथ में हमारी RRB JEE की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपका पेपर है। प्लस सारे करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस हमारी CBT 1 टेक्निकल बुक में भी अवेलेबल है, दैट इज आउट नाउ एंड इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart और हमारी अपनी एडिस्पेक्ट पब्लिकेशंस पे भी अवेलेबल है, जिसमें हमने मैथ्स रीजनिंग जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस कवर करी है CBT 1 में, और CBT 2 वाले पार्ट में हमने जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक कंप्यूटर्स एंड एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन भी काउंट करा है। एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन अब जितने भी लेटेस्ट बेसिक लेवल से लेके जितने भी एडवांस पेपर आ रहे हैं UPSC से लेके JEE के लेवल तक पेपर में सब में एनवायरमेंट पूछी जाती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंट इश्यूज में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, प्लस फर्दर कितने हमारे पैक्स बने हैं वो सारे पैक्स बने वो सारे हमने इस बुक में कवर करी है। फर्दर हम लेके जाते हैं फर्स्ट पेपर के बाद सेकेंड पेपर भी होगा, जिसके लिए जो फर्स्ट पेपर होगा शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स होंगे। लेट्स से कि आपने 100 में से फर्स्ट पेपर में 90 स्कोर करे और मैंने 100 में से सिर्फ 40 स्कोर करे, तो अगर हम बात करते हैं 40 और 90 की, ये जो फर्स्ट पेपर है दैट इज ओनली स्क्रीनिंग। अगर मैं 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट्स में आ गया, मतलब मैं 15% जो स्टूडेंट्स हैं उस रेंज में आ गया नंबर ऑफ वैकेंसीज के कारण, तो हम दोनों एक ही लेवल पे बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट पेपर है उसका फोकस हमारा पेपर क्लियर करने तक रहेगा कि मुझे पेपर सेकंड के लिए कॉल आ जाए। अब कई बार स्टूडेंट्स 4 मंथ्स में पेपर 1 की तैयारी करते रहते हैं और सडनली जब पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा पेपर 2 में अगर हम देखें तो काफ़ी कम टाइम आता है। जैसे हम ALP का एग्जांपल ले रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में भी जब पेपर 2 का अटेम्प्ट हो रहा है तो टाइम काफ़ी कम रह रहा है। तो अगर आप सीरियस हो RRB JEE के लिए तो आपको अभी से टेक्निकल वाला पार्ट भी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं 120 मिनट्स का हमारा CBT 2 है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 150, दैट मींस कि टोटली हमारा स्मार्ट वर्क चलेगा इसमें। टोटली हमारा स्मार्ट वर्क मींस कि हमारा इस बार पेपर में कैलकुलेटर्स भी अलाउड है। अब स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड हैं, स्टूडेंट्स काफी बार हमारे साथ आके पूछा जाता है कि क्या हम साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना कैरी कर सकते हैं, हम नॉर्मल कैलकुलेटर कैरी करेंगे। 3 ईयर्स बैक 4 ईयर्स बैक जब गेट ने भी कैलकुलेटर्स वाले वर्चुअल पे आए थे तब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्या गलती थी, वो अपने आप कैलकुलेटर कैरी करके पेपर में ले जाते थे और पेपर में इन्विजिलेटर क्या करता था, आपका कैलकुलेटर बाहर का बाहर ही रखवा लेता था। बट अब
अब जो पेपर्स में आते हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कैलकुलेटर्स। वर्चुअल कैलकुलेटर का क्या मतलब है कि आपका पेपर में ही कैलकुलेटर ओपन होगा और पेपर में जब कैलकुलेटर ओपन होगा दैट मींस दैट इज कम ऑन द स्क्रीन। तो कई बार वहाँ पेपर में अटेंड करते टाइम आपका कैलकुलेटर में भी इतना होल्ड नहीं रहता कि आप कैलकुलेटर को यूज कैसे करें। उसी सिमिलैरिटी में हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने कैलकुलेटर की ऑप्शन भी सेम दी है जैसे हमने आरआरबी जेई के पेपर्स में आपको आए जाए। अगर आप कैलकुलेटर्स में बहुत बार पेपर्स अटेम्प्ट कर चुके हो एक तो आपकी ऑनलाइन की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, सेकंड आपके लिए क्या रहेगा आपको कैलकुलेटर यूज करना आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहां पे जाके कैलकुलेटर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉग को कैसे यूज करना है, साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे यूज करना है। सेकेंड, जब भी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन पेपर की बात करें या ऑफलाइन अगर आपने कोई पेपर दिया होगा तो आप सबसे पहले जैसे इन्विजिलेटर हमें कहता था कि सील ओपन करिए पेपर की, आप क्या करते थे सारे पेपर से गो थ्रू होते थे। बट ऑनलाइन में हम क्या करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जब तक आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हो तो आपका काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है और मुझे पेपर का लेवल भी नहीं पता लगता कि पेपर का लेवल किस तरह का। उस केस के लिए आप देखिए जब भी आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होती है दैट इज ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन पेपर से आप गो थ्रू हो सकते हैं जीएस वाले पार्ट पे आपके और लाइफ साइंस वाले पार्ट के लिए कि आपका वो पेपर जनरल अवेयरनेस और जनरल जीके का पेपर किस तरह का है, ताकि आपको जब पेपर का लेवल पता करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको पेपर में जाना किस तरह। अगर तो आपको क्वेश्चंस ही फर्स्ट रो में 30 आते हैं 20 आते हैं दैट मींस पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा तो आप मैक्सिमम अटेम्प्टेशंस पे जाएंगे। अगर आपको लगा कि 60 टू 70 मेरे वन गो में जा रहे हैं तो आप 10 टू 20 क्वेश्चंस उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास टाइम होगा। तो हमारे सिमिलर ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है ताकि आपको वहाँ पे पेपर में जाके ऐसा ना लगे कि ये फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन के ऊपर पेपर दे रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और अगर वर्चुअल कैलकुलेटर उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब क्या है, मेरे न्यूमेरिकल पोर्शंस भी ऐड हो जाएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए आपको लॉजिक्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हो तो आप डायरेक्टली याद भी कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़ की, ये वैल्यू मेरी डायरेक्टली यही आएगी तो हम ऑप्शंस याद कर लेते हैं ए बी और सी। बट न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम पेपर टू की बात करते हैं तो सिमिलरली मैंने जो जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे टाइम लगाया था तो मेरे 30 मार्क्स मुझे स्कोरिंग के लिए पहले ही मिल गए और मैं 30 मार्क्स के लिए पहले ही प्रिपेयर था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आपका ऐड हो गया है और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल वो हम सिमिलर पार्ट जीएस वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं एनवायरमेंट्स के करंट इश्यूज के बारे में। फर्दर अगर हम टेक्निकल एबिलिटीज पे जाएं तो सारा पेपर मेरा इसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल आ रहे हैं। और इस बार आरबी जेई की क्या खास बात है, इन्होंने पूरा सिलेबस डिफाइन करने का मतलब क्या था कि हमें पता है कि मेरे को पर्टिकुलरली टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स के बाद मुझे उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट ईयर से क्या पैटर्न चलता था, अगर मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का हूँ, मैं सिविल बैकग्राउंड का हूँ, मैं ईसी बैकग्राउंड का हूँ या मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का, मुझे सब स्ट्रीम्स का पेपर कॉमन आता था। अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ के ऊपर देखिए अपना जोन चूज कर रहे हैं तो सबसे गलत है क्योंकि लास्ट ईयर के जोन में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब एक ही पेपर में बैठे तो पेपर का जो लेवल होता था वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट आएगा जो इस बार के पेपर में आ रहा है। इस बार के पेपर में कैलकुलेटर्स अलाउड हो चुके हैं, इस बार के पेपर में डिफाइंड सिलेबस है और आपकी स्ट्रीम से ही पूछा जा रहा है। अगर आपकी स्ट्रीम से ही पूछा जाए तो पेपर का एक्सपेक्टेड लेवल हमें थोड़ा हाई लग रहा है। तो इसलिए आप जो भी जोन सिलेक्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ को ना देखिए और आप अपनी अटेम्प्टेशन में देखिए कि आपको किस जोन में जाना चाहते हैं या किस जोन में आप प्रिपरेशन या किस जोन में आप जॉब करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पूरी डिटेल सिलेबस की, तो जब भी आप पहले पढ़ते थे, आप पहले अगर 3-4 साल पहले के सिनेरियो की बात करें तो आप 30-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टॉपिक के पढ़ते हैं और वही याद करके चले जाते हैं पेपर के लिए। अगर जनरली आप आरआरबी जेई की बुक्स भी देखेंगे मार्केट में तो उसमें 30-40 एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। बट अब कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है, 30-40 क्वेश्चन पढ़ने के बाद
अब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस तो उसमें से आ जाते हैं बट आपका पेपर क्लियर नहीं होता, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स से आपका पेपर रह जाता है और आपको लगता है कि मैं तैयारी करके भी गया था और मेरा पेपर सिलेक्शन में नहीं हुआ। तो उसके कुछ कारण है, उसके कारण क्या है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाते हैं तो हमारे लॉजिक्स कभी स्ट्रांग नहीं होते, ऑब्जेक्टिव से कभी भी आप लॉजिकल पेपर नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमें थ्योरी भी पढ़नी है। अब थ्योरी हमें कहाँ पे अवेलेबल होती है, टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल होती है। अगर हम सिविल के सिलेबस को देखें तो इन्होंने 24 चैप्टर्स में पूरा सिलेबस कैटेगराइज करा है। अगर 24 चैप्टर्स की हम बात करें तो 24 बुक्स लेनी हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड्स में हमने क्या करा है, हमने बुक्स लॉन्च करी है, दो पार्ट्स में बुक्स लॉन्च हुई है हमारी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, इसी के कारण हमने उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी डाला है प्लस न्यूमेरिकल पार्ट भी। अगर मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दूँ उस बुक के लिए, तो आप देखिए हमारा जो पार्ट वन है, पार्ट वन में हमने स्पेशलाइज बुक निकाली है वॉल्यूम वन के नाम से, और वॉल्यूम वन में अगर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो हम सिर्फ 12 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। 12 टॉपिक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट टॉपिक से लेके हमने पूरे जो 12 चैप्टर है वो हमारे एक बुक में कवर हो रहे हैं। और बुक्स के अगर आप पेजेस के एग्जाम्पल लें तो 514 to 550 पेजेस है हमारी एक बुक में। इसका मतलब कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट प्लस आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट सारा का सारा एक ही बुक में एक्सप्लेन हो रहा है। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें चैप्टर वन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। हमने जितनी भी बुक्स अपनी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस निकाली है, पहले हमने डिफाइन कराया कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस लिखने के बाद हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी फॉलो करी, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें That is building components. अब building components is totally theoretical part. Building components के बाद third chapter की बात करें building material. तो building material में 3A का मतलब क्या है, 3A में हमने सिर्फ masonry material, stone, bricks and mortars को cover करा है। 3 में हमने further इस syllabus को define करा है कि timber and further parts के बारे में क्या होगा। clearly define करने से क्या होता है, हमें पहले timber के बारे में जो पढ़ना है तो मेरे पास theoretical part भी available है। थ्योरेटिकल पार्ट अटेंड करने के बाद हमारा सिमिलर पार्ट आता है उसी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अगर आप घर में बैठे हो प्रिपरेशन के लिए, आपके पास टाइम नहीं है और आप देखते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेंड करने से ही आप उसको अटेंड कर लेंगे तो वो भी गलत है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हमने पहले आपको क्या कहा है, आप पहले पूरी थ्योरी से गो थ्रू करिए। पूरी थ्योरी गो थ्रू करने के बाद हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को इसमें सिमिलरली डिफाइन कर रहा है एज पर सिलेबस। उसके थ्योरी डिफाइन करने के बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप उसके अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए पहले आपको खुद पेपर्स में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। बाद में आप उसकी आंसर कीज के ऊपर जाके देख सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरह का था, क्वेश्चंस किस तरह के हैं। और कुछ पार्ट इसमें हमारी एडवांटेज का है, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी बीटेक होल्डर एलिजिबल होंगे या पेपर के लिए, और बीटेक होल्डर तो मेरा गेट का पेपर भी अटेम्प्ट कर लेता है, और अगर वो गेट की तैयारी या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर जाता है तो ये छोटे पेपर्स जेई लेवल के तो वो क्लियर कर जाएगा। बट ऐसा सोचना काफ़ी गलत है, क्योंकि इस बार का अगर आप सिलेबस देखते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस हमारा कभी भी गेट के पेपर में नहीं आता, बिल्डिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें वो भी कभी गेट के पेपर में नहीं आते, अगर हम बात करते हैं ऑटो कैड की, ऑटो कैड भी कभी हमारे गेट के पेपर में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट इस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करके जाएगा उस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की एज मिलेगी। अगर हम पेपर की बात करते हैं, इसको डिस्क्राइब कैसे करें कि कौन सा पार्ट मेरा टाइम कंज्यूमिंग होगा और कौन सा पार्ट मेरा टाइम सेविंग होगा। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आने की एक्सपेक्टेशन होती हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फोर्स रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम, दैट इज टोटली थ्योरेटिकल। बट अगर हम सीजीज की बात करें और सेंट्रोइड की बात करें तो डायरेक्टली पेपर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंट्रोइड बताइए शेप का, सेंट्रोइड बताइए जी हॉलो का, तो वो वाले पार्ट हमारे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में भी आ जाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटीरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, तो ये जो सारा पार्ट मेरा चल रहा है दैट इज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। बट बेस्ट पार्ट क्या रहता है, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आप ईच एंड एवरी टॉपिक को
पढ़ जाते हैं थ्योरेटिकली, लोड बेयरिंग वॉल्स को पढ़ जाते हैं, स्टोन्स को पढ़ जाते हैं, तो इससे बाहर पेपर के आने की एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी और आपका एक जोन ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आपका ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम रहते हैं। तो जितना भी हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं 9 चैप्टर तक सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट इज टोटली थ्योरेटिकल। तो थ्योरी में अगर आपको टॉपिक डिफाइंड है, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट किसी भी बुक से पढ़ जाते हैं या हमारी बुक से आप फॉलो कर लेते हैं डायरेक्टली, तो आपको पता है कोर्स एग्रीगेट के ऊपर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस बुक में हमारे कवर हो जाएंगे और मेरा पेपर में रैंक 10 टॉप 10 में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड सर्वेइंग हमारा पार्ट, जियो टेक्निकल हमारा पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट है दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल। यहाँ से मुझे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमारा ज़्यादा आएगा। तो अगर हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करते हैं तो हमें जो न्यूमेरिकल ट्राई करनी है वो हम सर्वेइंग और जियो टेक्निकल के लिए। अभी मैं सिर्फ पहले 12 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहले 12 चैप्टर्स में हमारी पहली बुक कंप्लीट हो जाती है, दैट इज वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में हमारे अराउंड 550 to 600 पेजेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें को काफ़ी बुक्स रेफर करने में मेरा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो हमने 600 पेजेस में सिर्फ अपने पहले 12 चैप्टर्स कवर करे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। फिर हमारे अगर हम फर्दर 12 चैप्टर्स की बात करें, दैट इज हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में भी मुझे न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा पार्ट किसका कवर कर रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। इरिगेशन से कुछ पार्ट थ्योरेटिकल आ सकते हैं और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सोम। सोम हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, इस वाले पार्ट से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट से, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर वाले पार्ट, स्टील स्ट्रक्चर, यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको पूरे के पूरे डिज़ाइन सब्जेक्ट्स के आने चाहिए। तो अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, हम पेपर 2 का अगर हम अपना ग्लिम्स लें, तो पेपर 2 की अगर आप हमारी बुक देखते हैं तो हमने उसमें कैटेगराइज करा हाइड्रोलिक्स को भी 5 चैप्टर में, क्योंकि FM से न्यूमेरिकल वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमने उसको हाइड्रोलिक्स को भी फर्दर ABCDE कैटेगरी में कैटेगराइज करा है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे एनवायरमेंट एंड एडवांस इक्विपमेंट, ये जितने भी पार्ट हैं हमारे वॉल्यूम 2 में कवर हो रहे हैं। और अगर हम वॉल्यूम 2 का एग्जांपल लें तो हाइड्रोलिक्स में हमारा पहले बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिर जैसे हम चैप्टर्स के थ्रू आगे जाएंगे तो आप देखेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी पूरा आ जाता है। वो हमने क्लियरली मेंशन करा है थ्योरी में। थ्योरी करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उस पेपर में न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके अपना रैंक अच्छा सिक्योर कर सकें। इसी तरह हम इस वाले फर्दर टॉपिक्स पे चलते हैं हाइड्रोलिक्स के ही ऑब्जेक्टिव्स पार्ट्स में। अगर आप देखते हैं हमारे सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही अराउंड 63 क्वेश्चन है। आंसर की फॉलो करने से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक लेते हैं, उसका आंसर देखते हैं ए फर्स्ट का, टू का सी, थर्ड का डी, और वो याद करके चले जाते हैं। अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, अगर आप इस तरह क्रैम करके जा रहे हैं तो आने वाले 10 सालों में भी आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपने सी याद कर लिया तो सी के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, वो भी हमने पूरे की पूरी न्यूमेरिकल्स की कवर करी है ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इसके आने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स क्या थे और पेपर अटैम्प्ट किस पार्ट में होगा। जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं हाइड्रोलिक्स से लेके सब सेक्शंस के पहले हमने सिलेबस मेंशन करा है और उसी सिलेबस की थ्योरी डाली है ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मिस हो गया। पूरी डिटेल में ये बुक बनाई गई है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में भी हमने फर्दर मेंशन करा है कि कितने कितने के लिए आपके लिए सिलेबस है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। विदाउट न्यूमेरिकल ये पेपर का अटेम्प्ट करना, पेपर और क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। प्लस जितने स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे वो भी हम लेटर और लास्ट वाले पार्ट पे ट्राई करेंगे ताकि हमारा पहले थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जितने पेपर्स आ रहे हैं हमारे ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें या हमारे ब्रिज इंस्पेक्शंस के ऊपर बात करें, टनल इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो ये जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं ये हमें काफ़ी कम बुक्स में प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इस
वाली बुक्स के भी सारा पार्ट हमने अपनी टेक्स्ट बुक में डाला है ताकि आपका पेपर किसी भी वे से रह ना पाए। फर्दर साइनिंग आउट, आई एम निपुन स्याल साइनिंग आउट। हम और वीडियोस के साथ आपके साथ आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे फॉर द पेपर्स।